गिफ्ट दूंगा, गिफ्ट इज गिफ्ट। मैं सवाल करूंगा, हम सभी को विन पसंद है, किसी को भी डिफीट या लॉस पसंद नहीं है। कोई एक ऐसी चीज बताओगे जिसको लॉस यानी कि हार पसंद है? वो जितने भी यहां पर ऑडियंस ऑडियंस हमारे गेस्ट बैठे हुए हैं, किसी को आंसर देना है प्लीज, वो हैंड अप करेगा और मैं सवाल करूंगा, वो जवाब देगा। गिफ्ट हमारा छोटा रहेगा लेकिन गिफ्ट इज गिफ्ट। एक ऐसा कौन सा इंसान है दुनिया में जिसको हार पसंद है? जिसको हार पसंद है? वैसे तो इस दुनिया में हर कोई अपने फील्ड में जीतना चाहता है, लेकिन वो कौन सा इंसान है इस दुनिया में जो सिर्फ हार ही चाहता है? उसको जितने हार मिलेंगे इतना वो हैप्पी होगा। यस सर। पत्नी। His answer is पत्नी, वाइफ। नेक्स्ट, एनी वन गाइस? हो सकते हैं कि सर he may be right और he may be wrong, but it is a pending, okay? मैं बाद में बताऊंगा आपको कि is it right or no, लेकिन अब मैं दूसरा आंसर का भी वेट करूंगा। कौन बताना चाहेगा दुनिया में ऐसे इंसान जिसको हार पसंद है? सर। यस सर। हार गले का हार पसंद है। आपने पूछा ना सर कि हार किसको पसंद है, लेडी को सर गले का हार बहुत पसंद है। तो लेडी जो ब्राइड ग्रूम को दूल्हे को शादी के बाद में जो हार पहनाया जाता है उनके गले में जो हजार हजार के 500 के नोट डालते हैं, तो उनको पसंद है कि नहीं है? उनको पसंद है। बाकी हार किसको पसंद है? हर कोई जीतना चाहता है। मैं चाहूंगा कि वो जिनको मैंने पेन दिया थे प्लीज मैम को पेन दे। मैम के लिए सोचा क्या दिन हो जाए? तो लेडीज एंड जेंटलमैन, काश खुदा ने दिल कांच के बनाए होते, काश खुदा ने दिल कांच के बनाए होते, तोड़ने वाले के हाथ में थोड़े बहुत तो आए होते। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, हमारे नेक्स्ट परफॉर्मेंस प्लीज, मैं और देना जैसे चाहूंगा कि प्लीज वो मुझको लिस्ट दे दें। और भी बीच में किसी को भी भूख लगे प्यास लगे वो कैंटीन में जाकर कुछ खा पी ले। इस बार कैंटीन जो है वो अंदर ही, आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है। लेडीज एंड जेंटलमैन, मेरे टूटे